बुलंदशहर के खुर्जा में मुनी स्थित CHC में महिला की डिलीवरी के बाद हुई नवजात की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। वहीं महिला के पति ने स्वास्थ्य कर्मी पर रिश्वत लेने का लगाया आरोप और पुलिस से की शिकायत। अरनिया क्षेत्र के गांव मुनी की नगलिया निवासी सोनू शर्मा के अनुसार वह अपनी पत्नी वंदना को प्रसव पीड़ा होने पर CHC मुनी लेकर पहुंचे। अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि डिलीवरी करानी होगी। पुलिस का आरोप है कि डिलीवरी के एवज में स्वास्थ्य कर्मी ने उससे 5,000 रुपये की मांग की, जिसके बाद पीड़ित ने स्वास्थ्य कर्मी को 4,000 रुपये दे दिए। कुछ समय बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, परंतु कुछ ही समय बाद नवजात की हालत खराब हो गई। जब तक इलाज मिलता नवजात की मौत हो गई थी। वहीं पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सोनू शर्मा, कौन सा गांव है? मुनी नगलिया। क्या मसला है? मैं अपनी मैडम मतलब अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में लेके आया, मुनी अस्पताल में तो मैं दिखाने के लिए लेके आया, तो डॉक्टर मंजू मैडम ने ये कहा कि डिलीवरी होगी। डिलीवरी होने के बाद भी मैं घर को चला गया कपड़ा पपड़ा लेने के लिए और मुझसे 5,000 रुपये मांगे। उसके बाद भी 2-3 घंटे बाद बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद मतलब लड़के की तबीयत खराब थी। तबीयत खराब होने के बाद यहाँ पर मैंने 102 पे 108 पे कॉल की। उसके बाद भी कोई कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में 2 गाड़ी खड़ी थी एम्बुलेंस, और उन्होंने भी मना कर दिया। आपने पैसे दिए थे आपने? जी, मैंने 4,000 रुपये दिए। किसको दिए थे? मंजू मैडम को। देखते रहिए TV भारती समाचार, नजर हर खबर पर।